जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया, जय हो प्रयागराज की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी सुश्री उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी, नाविकगण, स्वच्छता सहयोगीगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, तपोभूमि प्रयागराज और सभी प्रयागवासियों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। प्रयाग की भूमि पर मैं एक बार फिर आकर अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। पिछली बार जब मैं यहां आया था तब मुझे कुंभ मेला में आकर पवित्र गंगा, यमुना एवं सरस्वती के तट पर पूजा करने, पवित्र अक्षय वट के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस बार संगम में पवित्र स्नान करने और पूजा करने का परम सौभाग्य मुझे मिला है। साथियों, प्रयागराज का तप और तप के साथ इस नगरी का युगों पुराना नाता रहा है। पिछले कुछ महीनों से करोड़ों लोग यहां तप, ध्यान और साधना कर रहे हैं। प्रयागराज के कण कण में तप का असर हर कोई अनुभव कर सकता है। कुंभ में हठ योगी भी है, तप योगी भी है, मंत्र योगी भी है और इन्हीं के बीच ये कर्मठ मेरे कर्म योगी भी है। ये कर्म योगी मेले की व्यवस्था में लगे वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराई है। मैं एनडीआरएफ के हमारे साथी भाई राजेंद्र गौतम को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने श्रद्धालुओं के जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इन कर्मयोगियों में वो नाविक भी हैं जिन्होंने मां गंगा की साधना करने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया। इन कर्मयोगियों में प्रयागराज के स्थानीय निवासी भी शामिल हैं जिनकी तपस्या मेला शुरू होने से महीनों पहले ही शुरू हो गई थी। साथियों, कुंभ के कर्मयोगियों में साफ सफाई से जुड़े कर्मचारी और स्वच्छाग्रही भी शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से कुंभ के विशाल क्षेत्र में हो रही साफ सफाई को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। जिस जगह पर बीते 5-6 हफ्ते में 20-22 करोड़ से ज्यादा लोग जुटे हो,
वहां की अस्थाई व्यवस्थाओं में सफाई की व्यवस्था करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मेरे साथियों, आपने साबित कर दिया है कि दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मुझे ऐसे ही कर्मयोगियों से मिलने का अवसर मिला। ये साफ सफाई करने वाले मेरे वो भाई बहन थे जो बीते कई हफ्तों से मेला क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सुबह बहुत जल्दी उठना, रात में बहुत देर से सोना, दिन भर कूड़ा उठाना, गंदगी साफ करना, शौचालय साफ करना, इसी काम में वो लगे रहे थे। ये बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी की नजर में आए, चुपचाप अपना काम कर रहे थे। लेकिन इन कर्मयोगियों की, स्वच्छाग्रहियों की मेहनत का पता मुझे दिल्ली में लगातार मिलता रहता था। जितने भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मीडिया में भी मैंने अक्सर देखा कि लोग कुंभ में स्वच्छता की इस बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रशंसा के असली हकदार आप लोग हैं। सफाई के काम में जुटे मेरे भाई बहन हैं। भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति के जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जो उसे गढ़ते हैं, बनाते हैं। इनमें से बहुत से पल बहुत यादगार होते हैं, अविस्मरणीय होते हैं। आज मेरे लिए भी ऐसा ही पल है। आज जिन सफाई कर्मी भाइयों और बहनों के चरण धुलकर मैंने वंदना की है, वो पल मेरे साथ जीवन भर रहेगा। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का स्नेह मुझ पर ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही मैं आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है। साथियों, दिव्य कुंभ को भव्य कुंभ बनाने में आपने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस मेला क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा कूड़ेदान हो, 1,00,000 से अधिक शौचालय हो, वहां किस तरह मेरे सफाई कर्मी भाई बहनों ने काम किया है, उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन ये उन्हीं का परिश्रम था कि इस बार कुंभ की पहचान स्वच्छ कुंभ के तौर पर हुई। इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए और सही से चलाने के लिए स्वच्छता से जुड़े प्रत्येक सफाई कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है।
आपके इस योगदान के लिए स्वच्छ सेवा सम्मान कोष की भी आज घोषणा की गई है। इस कोष से इस कुंभ मेले में जिन्होंने काम किया है, इस कोष से आपके और आपके परिवार को विशेष परिस्थितियों में मदद सुनिश्चित हो पाएगी। ये एक प्रकार से देशवासियों की तरफ से आपकी सेवा के प्रति एक स्नेह है, ये आभार है। साथियों, स्वच्छ कुंभ ऐसे समय में हो रहा है जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। गांधी जी ने तो करीब 100 वर्ष पहले खुद स्वच्छ कुंभ की इच्छा जताई थी जब वो हरिद्वार कुंभ में गए थे। देशवासियों के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान अपने तय लक्ष्यों पर तेजी से बढ़ रहा है। इस साल 2 अक्टूबर से पहले पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और मैं समझता हूं प्रयागराज के आप सभी स्वच्छाग्रही पूरी देश के लिए बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आए हैं। भाइयों और बहनों, साफ सफाई की जब बात आती है तो इस बार कुंभ आने वालों में मां गंगे की निर्मलता को लेकर भी खासी चर्चा है। बीते 1-1.5 महीने से तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के अनुभव जान रहा था। आज इसका अनुभव मैंने खुद ने किया है। मैं पहले भी प्रयागराज आता रहा, लेकिन इतनी निर्मलता गंगा जल में पहले नहीं देखी। साथियों, गंगा जी की यह निर्मलता नमामि गंगे मिशन की दिशा और सरकार के सार्थक प्रयासों का भी उदाहरण है। इस अभियान के तहत प्रयागराज गंगा में गिरने वाले 32 नाले बंद कराए गए हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से गंगा नदी में प्रदूषित जल को साफ करने के बाद ही प्रवाहित किया गया। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नमामि गंगे के लिए अनेक स्वच्छाग्रही तो योगदान दे ही रहे हैं, आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व मैंने भी इसमें छोटा सा योगदान दिया है। सियोल प्रेस प्राइज के तौर पर मुझे वहां जो राशि मिली, धन मिला, करीब करीब 1,30,00,000 रुपया जितनी राशि मुझे मिली, उस राशि को मैंने अपने पास नहीं रखा, मेरे लिए नहीं रखा, वो मैंने नमामि गंगे मिशन के लिए समर्पित कर दिया है। बीते 4.5 वर्षों में प्रधानमंत्री के नाते मुझे जो उपहार मिले हैं उनकी नीलामी करके भी जो कुछ मुझे मिला है वो भी मैंने मां गंगा की सेवा में समर्पित कर दिया है। साथियों, मां गंगा के समर्पित पहरी हमारे नाविक भी है।
प्रयागराज और नाविकों का तो पुराना संबंध है, बिना नाविकों के तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रामायण भी पूरी नहीं होती है। जो दुनिया को पार लगाते हैं उनकी नैया तो हमारे नाविक साथियों ने ही पार लगाई थी। मेरा और आपका भी आपस में गहरा रिश्ता है। आप खुद को भगवान राम का सेवक मानते हैं और मैं खुद को आपका प्रधान सेवक मानता हूं। आप खुद को गंगा पुत्र मानते हैं और मैं मां गंगा के बुलावे पर आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। अब बताइए, हुआ ना आपसे मेरा गहरा नाता? आप जिस निष्ठा से कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान रख रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। आपके बिना इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल था। मैं एक बार फिर अपने नाविक भाइयों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, इस कुंभ में वाकई बहुत से काम पहली बार हुए। पहली बार श्रद्धालुओं को संगम स्नान के साथ अक्षय वट के दर्शन का भी मौका मिला। आजादी के बाद से अक्षय वट को हमेशा किले में बंद रखा जाता था। इस बार सरकार ने अक्षय वट और श्रद्धालुओं के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। मुझे बताया गया है कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु अक्षय वट और सरस्वती कुप के दर्शन कर पाए हैं। भाइयों और बहनों, पिछली बार में जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि इस बार का कुंभ अध्यात्म, आस्था और आधुनिकता की त्रिवेणी बनेगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी ने अपनी तपस्या से इस विचार को साकार किया है। तपस्या के क्षेत्र को तकनीक से जोड़कर जो अद्भुत संगम बनाया गया उसने भी सभी का ध्यान खींचा है। एक प्रकार से ये कुंभ मेला डिजिटल कुंभ के रूप में भी याद किया जाएगा। साथियों, प्रयागराज की कृपा, साधु संतों के आशीर्वाद, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था और आप सभी के अनुशासन के कारण मेला सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है। मैं देखता रहता हूं कि कुंभ में यूपी पुलिस ने जो भूमिका निभाई है उसकी भी तारीफ चारों तरफ हो रही है। आपका खोया पाया विभाग तो बच्चे बड़े बुजुर्गों को भी अपनों से मिला देता है और कुछ ही घंटों में मिला देता था। लेकिन अगर किसी का टेलीफोन भी खो गया, मोबाइल फोन गया, उसको ढूंढना, किसी का सामान खो गया उसको ढूंढना, ऐसे कठिन काम भी आप लोगों ने बेहद गंभीरता से किए हैं। इसके लिए सुरक्षा के जवान भी अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं, बहुत बहुत बधाई के अधिकारी हैं।
मुझे एहसास है कि कुंभ के दौरान अनेक मौके ऐसे आए होंगे जब आप बहुत थक गए होंगे, आराम करने का समय नहीं मिला होगा, लेकिन आपने अपनी तकलीफों को भूलकर कुंभ की सफलता को ऊपर रखा। मुझे यह भी बताया गया है कि कुंभ मेला क्षेत्र में 8000 से ज्यादा सेवा मित्रों ने भी दिन रात एक होकर काम किया है। साथियों, प्रयागराज में जब कुंभ लगता है तो सारा प्रयाग ही कुंभ हो जाता है। प्रयागराज के निवासी भी श्रद्धेय हो जाते हैं। प्रयागराज को एक खूबसूरत शहर के रूप में विकसित करने में और कुंभ के सफल आयोजन में प्रयागवासियों की भूमिका ने भी पूरे देश को प्रेरणा दी है। साथियों, आपके सहयोग से इस बार कुंभ के लिए जो व्यवस्थाएं तैयार हुई है वो स्थायी है। पहले कुंभ के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं तैयार की जाती थी, उसमें से अधिकांश मेले के साथ ही खत्म हो जाती थी। इस बार ऐसी स्थायी सुविधाओं का निर्माण भी हुआ है जो लंबे समय तक प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देगी। यहां पर एयरपोर्ट में सिर्फ 11 महीने में जो नया टर्मिनल बना है उसकी भी चर्चा खूब हो रही है। सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, पानी के साथ ही जो एसटीपी बने हैं वो आने वाले कई वर्षों तक संगम में जाने वाले गंदे पानी को रोकेंगे। ये कुंभ भक्ति और सेवा भाव के साथ ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक बने, यही इस सरकार की कोशिश रही है। एक बार फिर मैं यूपी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों को कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, सदियों से कुंभ का मेला कोई न कोई सामाजिक संदेश लेकर के पूरा होता था। बीच में यह परंपरा बंद हो गई, धार्मिक प्रक्रिया ही बनी रही, लेकिन इस बार के कुंभ के मेले ने पूरे देश के लिए दिव्यता और भव्यता के साथ स्वच्छता का मजबूत संदेश भी दिया है, लोक शिक्षा भी की है। और मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में कहीं पर भी धार्मिक समारोह होंगे, सामाजिक समारोह होंगे, राजनीतिक समारोह होंगे, आयोजन करने वाले हर कोई स्वच्छता के विषय में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये संदेश आप लोगों की तपस्या के कारण आज पहुंचा है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। साधु महात्माओं के आशीर्वाद तो मिलते रहते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती रहती है, लेकिन आज मेरे लिए तो तपस्वी आप हैं, मेरे लिए तो सच्चे सेवक आप हैं। साधु महात्माओं के आशीर्वाद से, उनसे मिली शिक्षा दीक्षा से, इसी भाव से आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। और हमारे शास्त्रों ने कहा है, न कामे राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। गरीब की, दुखियारों की सेवा करना, यही संदेश मानव जात के कल्याण के लिए हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। मैं अपने आप धन्यता का अनुभव करते हुए, ये जो कोष बनाया गया है वो नाविकों के परिवार,
स्वच्छता से जुड़े परिवार और यहां निम्न स्तर पे पुलिस की सेवा में लगे लोगों के उनके परिवारजनों के लिए काम आने वाला है। मेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मेरे साथ बोलेंगे जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती मैया, जय सरस्वती मैया। बहुत बहुत धन्यवाद।